रोड पर भीख मांग रहे हैं बच्चों के लिए, सिर्फ अपना लिए नहीं बच्चों के लिए। कितने दिन से बहन जी आप यहाँ पे हैं अस्पताल में? यहाँ पर अस्पताल में 4 महीना से हैं। 4 महीने जी। तो 4 महीने से कैसे चल रहा है? 4 महीने से इलाज हो रहा है लेकिन खाने पीने का बहुत दिक्कत है। रोड पर से हम लोग मांग के खाते हैं और रोड पर से मांग के खाते हैं, खाने पीने का दिक्कत है। डॉक्टर बोले ताज़ा ताज़ा खाना खिलाने के लिए, ताज़ा नहीं जुट पा रहा है, जल लाते हैं ले जाके वही खिलाते हैं। हाँ इसी बिहार से आए हैं इसीलिए दिक्कत है लॉकडाउन से। तो आपके आपके जो हस्बैंड हैं वो क्या करते हैं? ठेला लगाते हैं जी। तो कहाँ पे हैं अभी? तो चले गए हैं, कनू ठेला लेके चले गए हैं, चाहे कनू दुकान उकान पर। यहाँ बहुत दिक्कत हो गया, एकदम कुछ नहीं जुट रहा है। तब गए हैं, सोच रहे हैं कि कनू कहाँ दुकान उकान पर जाते हैं ना, आधा किलो एक किलो सब्जी मिल जाता है ना, तो सब्जी खिलाते हैं खाली, चावल दाल तो कोई देगा नहीं, ये खिलाते हैं। तो कितने साल का बच्चा है आपका? 9 साल का बच्चा है। 9 साल का बच्चा तो कैंसर है? कैंसर है। कितनी तकलीफ हो रही है बहन जी? अभी तो ठीक ठाक है, कुछ इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ थे, बहुत ज़्यादा। अब तो तनी ठीक है लेकिन खाने का बहुत तकलीफ है। वो पैसा वैसा लाए थे गाँव से? पैसा नहीं थे सर, पैसा लेके नहीं आए थे, थोड़ा बहुत लेके आए थे तो खत्म हो गया। बाहर से दवाई लिखा गया, दवाई लेके चना है। दवाई वगैरह कहाँ से मिलता है आपको? हमको दवाई स्मार्ट कार्ड से मिलता है। स्मार्ट कार्ड से मिलता है जी। लेकिन फिर भी परेशानी तो होंगी खाने की और तमाम चीज़ों की? परेशानी के चलते हम रोड पर बैठते हैं, बच्चा को छोड़ के बेड पर रोड पर बैठते हैं। रोड पर कहाँ बैठते हो आप? मांगने के लिए? हाँ मांगने के लिए, खाना बच्चों को मांगने के लिए, कुछ भी मिल जाए, दूध मिल जाए। डॉक्टर बोले हैं कि दूध खिलाए, हम कहाँ से दूध खिलाएं, ताज़ा खाना खिलाएं, कहाँ से ताज़ा खाना खिलाएं। मतलब अपने बच्चों के लिए आप भीख मांग रही हैं? हाँ बच्चों के लिए भीख मांग रहे हैं, अपना पेट मिले या ना बच्चों के खिलाते हैं, कन्हू से मांग चाहेंगे। देख सकते हैं एक माँ का दर्द इस अपने बच्चे के लिए जो 9 साल का है सिर्फ, और उस 9 साल के बच्चे को कैंसर है और कैंसर का इलाज दिल्ली में चल रहा है और इलाज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे दवाई लेनी होती है जो इनके पास पैसा नहीं है। और हालत ये है कि अपने बच्चों को ताज़ा फल और ताज़ा दूध, ताज़ा फल और ताज़ा दूध पिलाने के लिए इनको भीख मांगनी पड़ रही है। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों की मदद क्या करो, कभी कभार अपने घर से जो भी तुम्हें भगवान ने अल्लाह ने दिया है जेब में पैसे डाल के जाया करो, ऐसे लोग मिलेंगे उनको मदद किया करो, ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। ये वो लोग हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे और आज आप इनकी हालत देख सकते हैं कि ये अपने इस मासूम बच्चे के लिए रोड पर भीख मांग रहे हैं। जी सर, रोड पर भीख मांग रहे हैं बच्चों के लिए, सिर्फ अपना लिए नहीं बच्चों के लिए। बहन जी हिम्मत नहीं हारना, देखो भगवान और अल्लाह सबके साथ है जी। उन्होंने हमें भी भेजा है, हम आपको जानते नहीं तो नहीं थे ना, आप हमारे पास आए और आके आपने सोचा कि भाई मदद करेंगे और हम वाकई में आपकी मदद करेंगे। बहन जी कुछ पैसा रख लो मेरे पास, पैसा लो बेटा। नमस्ते कर लो। थैंक यू अंकल। बेटा ठीक हो जाओगे तुम, ठीक है ना? ठीक है। हिम्मत नहीं आना, ठीक है ना? तुम स्कूल भी जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक है ना? सबके साथ खेलोगे आप, तो आप बहन हिम्मत मत हार रहे, ठीक है? मेरा नाम मुशाहिद खान है, मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एक दूसरे की मदद करनी है। थैंक यू सर। बिल्कुल बेफिक्र रहें, भगवान अल्लाह बिल्कुल ठीक करेगा आपके बच्चे को, ठीक है ना? आप रोए मत। आपका थैंक यू करते हैं सर कि हम आपको मुँह छुला अच्छा ना जाए, कि हम जल्दी से यहाँ से ठीक करके चले जाएं। चले बेफिक्र रहें आप, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। और मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद किया करो, बिना किसी जात भात धर्म के देखे हुए जो लोग मजबूर हैं उनके लिए आगे आइए, मदद कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।